अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मूसा की फ़ीस जमा करने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और साथ ही ये भी दो चार काम और भी थे उधर, वो भी निपटाने थे। एक दो लोगों से मिलना था वहाँ पर, एक बूटीक है, मुझे वहाँ कपड़े भी डालने थे। तो हम लोग मॉर्निंग में 9:30 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलें ये वाला काम भी साथ में कर लेंगे। और स्कूल में होता है बहुत ज़्यादा क्राउड, तो इन लोगों से मैंने बोला आप लोग स्कॉर्पियो में बैठे रहें और मैं अंदर जाकर फ़ीस पे करके आती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुझे रातीबड़ में काम है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से वहाँ निकलेंगे। तो आप लोग देखें कि आज इतना, मतलब 9:30 बजे भी धूप है काफ़ी सारी और बहुत गर्मी हो रही है। इधर की तरफ तो लग रहा है चमगादड़ें सारी पेड़ों पर लटकी हुई हैं और वो एकदम क्लियर नहीं है अभी फ़िलहाल। और यहाँ देख सकते हैं आप कि गर्मी एकदम सुबह ही सुबह बढ़ने लगती है। हम लोग रोज़ सुबह ही फजर के वक्त उठ रहे हैं और नमाज़ के बाद जब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते ही हैं, क्योंकि दिन में नहीं निकल पाते, तो सुबह सुबह नमाज़ के बाद निकलते हैं, तो मतलब 6:30 बजे के बाद एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो चलती है गर्मी, तो फिर तो सारा दिन और फिर 6 बजे तक सूरज नहीं डूबता है, और जब तक भी गर्मी बनी रहती है। और हवा ज़रूर चल रही होती है लेकिन वो गर्म होती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो चलिए हम स्कूल पहुंच गए हैं। ये मेरे राइट के ऊपर बाल भवन स्कूल आ गया है, और यहाँ पर पहले ही इतना अंदर गाड़ियाँ हैं, तो हम मेन गेट पे ही गाड़ी रोकेंगे, क्योंकि इस तरफ से उन्होंने वाइट हाउस जो यहाँ पर एक मैरिज गार्डन था उसको ले रखा है पार्किंग के लिए, और क्योंकि बाहर रोड पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाया करती थी। तो जी फीस पे हो गई है और मैं यहाँ बुटीक पे आ गई हूँ। यहाँ पर अंसल है ये, और यहाँ बुटीक पे मैं वेट कर रही हूँ। उन्होंने बस मुझे 10 मिनट का और बोला है, क्योंकि वो न्यू मार्केट पे ट्रैफिक में फंस गई हैं, और वो आ जाएं तो फिर हम यहाँ पर कपड़े देते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं रातीबड़ के लिए। और यहाँ अच्छा लग रहा है, इधर थोड़ा हवा भी लग रही है खड़े होकर बाहर, अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं इधर। तो यहाँ पर जब भी मैं कपड़े वगैरह के लिए आती हूँ, इसी के सिलसिले में आती हूँ, एक हमारे यहाँ मिलने वाले भी रहते थे पहले, वो अब चले गए यहाँ से, तो वो भी पहले इधर हुआ करते थे, तो उनके उनसे मिलने के सिलसिले में अक्सर हम आ जाया करते थे। लेकिन उसके बाद फिर अब सिर्फ ये कपड़ों के लिए ही हम इधर आते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये सारा कितना अच्छा पीसफुल लग रहा है माहौल यहाँ का। ये ना वो बिल्डिंग है जिसमें मिसेस जया बच्चन की मदर रहती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 101 मिसेस जया बच्चन, 102 मिसेस जया बच्चन लिखा हुआ है। और ये एच ब्लॉक के अंदर मिस्टर अमिताभ बच्चन की मदर इन लॉ यहाँ रहती हैं, उनका यहाँ पे 2 फ्लैट हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी हम दिखाते हैं अपने दिल्ली वाले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको, क्योंकि भोपाल के तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है ये बात, हाँ दिल्ली के लोगों को नहीं मालूम था। तो जो मेरे दिल्ली के सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने ये उनके लिए शूट किया कि यहाँ पर मिस्टर अमिताभ बच्चन की मदर इन लॉ रहती हैं। तो गाइज़ दिल्ली के हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, हमारे नेबर भी हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो उनका यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया भोपाल में, और किसी के साथ, भोपाल वालों के साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया है। तो इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ इनॉग्रेशन पे बुलाया, तो हम यहाँ पर आए थे। तो दिल्ली के टिक्के और कबाब खा के बहुत मज़ा आया, बहुत यम्मी थे। और ये उनका रेस्टोरेंट है, आज फर्स्ट डे था, उन्होंने हमें इनॉग्रेशन में इन्वाइट किया। तो हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ का खाना वाकई बहुत ही अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। तो आज ये इनका फर्स्ट डे है, आप देख सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इकबाल मैदान के जस्ट सामने शौकत महल के अंदर ये रेस्टोरेंट है, इसको स्टार्ट किया है। तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करें, बहुत अच्छा है, यहाँ का टेस्ट अच्छा है।
तो यहाँ पे टिक्के मिलेंगे, दिल्ली के कबाब्स मिलेंगे, और भी सारी डिशेज़ हैं जो आज तो क्योंकि इनाग्रेशन था तो कुछ पर्टिकुलर डिशेज़ यहाँ पर थी, लेकिन कल से पूरा मेन्यू इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ ज़रूर आएँ, एक बार विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है। और ये दिल्ली के टिक्के कबाब हैं यहाँ पर, तो ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और अल अमान इनका नाम है, तो आप ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। और गाइज़ आप लोग इसी तरह बने रहें, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में हम जल्द मिलते हैं, जल्द मुखातिब होते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह बने रहें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।